गुफापुर नाम के गांव गेहूं, चावल और अलग अलग किस्म की दालों की वजह से जाना था। वहां के लोग इसी की खेती करते थे और बाजार ले जाने के बजाय खुद की ही दुकानों में रखकर बेचते थे। ऐसे गुफापुर वासी 6 महीने खेतों में मेहनत करते थे और 6 महीने आराम से अपनी दुकानों में बैठकर व्यापार करते थे। कहाँ जा रहे हो राजू भाई? चूहे मारने की दवाएं खत्म हो गए हैं, वही लेने के लिए जा रहा हूँ कालवा भाई। ये कहते हुए राजू वहाँ से चला जाता है। गुफापुर वाले जो खेती करते हैं, उस फसल से चूहे तो अपना हक जमा कर आते हैं और ये लोग 6-6 महीनों तक अपने फसल पास रखकर बेचते हैं। इसका मतलब चूहों की तादाद भी ज्यादा होगी। इसी वजह से सारे गांव वाले मिलकर हर रोज 100 से भी ज्यादा चूहे मारकर फेंक देते थे। गुफापुर वासी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात से अनजान एक पशु प्रेमी साइंटिस्ट उनकी हरकतों से क्रोधित होकर, ये चूहे छोटे और कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सोचकर ये गुफापुर वाले उन्हें मारकर फेंक रहे हैं। इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए वो साइंटिस्ट अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एक मामूली से चूहे को विशाल चूहे में बदल देता है और गांव में छोड़ देता है। अब अकल आएगी इन गांव वालों को जब ये चूहा उन्हें परेशान करेगा। चूहे तो वैसे ही फुर्तीले होते हैं और चूहे का आकार बड़ा होने की वजह से वो चाहते हुए भी अपने आसपास की दुकानें तोड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा है। लोग उस चूहे को देखकर जितना डरे हुए थे, चूहा भी उन्हें देखकर उतना ही डरा हुआ था। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो चूहा अपने बचाव में उन्हें उसका क्रोध दिखाता है। सिर्फ इतना करने से ही वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे थोड़ी ही देर में बाजार से सब लोग भाग जाते हैं और वो चूहा अकेला रह जाता है। वो बाजार की हर दुकान में उसे जो पसंद आए वो खाकर जंगल में चला जाता है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद गांव वाले धीरे धीरे अपनी दुकानों के पास लौट कर आते हैं। तभी चूहे मरने की दवाई खरीदने के लिए शहर गया राजू भी लौट कर आता है और बाजार की ये हालत देखकर, क्या बात है, सब क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई तूफान आया था यहाँ पर? कोई तूफान नहीं आया था, ये सब उस चूहे ने किया है। चूहा ने किया है? ये क्या कह रहे हो तुम? इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहते हुए सारी बात राजू को बताता है कलवा। सब सुनने के बाद राजू, अगर वो जंगल में गया है तो फिर से लौटकर आएगा। आप सब अगले हमले के लिए लाठियां और पत्थर तैयार रखना, इस बार वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए राजू सबको हिम्मत देता है। अगले दिन सुबह जब वो दानव जैसा चूहा गांव में आने की कोशिश करता है, तब सब मिलकर उसे लाठी और पत्थरों से मारकर वापस भगा देते हैं। वो घायल चूहा वापस लौटकर जंगल में चला जाता है। साइंटिस्ट उस चूहे को देखकर, मुझे पता था ये निर्दयी लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था। ये कहते हुए वो साइंटिस्ट उस चूहे को एक इंजेक्शन देता है। उसके बाद वो चूहा कुछ देर तक अजीब सी हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका रंग सोने जैसे हो जाता है और उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। अगले दिन सुबह वो गोल्डन रैट और वो साइंटिस्ट दोनों गांव में आते हैं। लोग कल की ही तरह उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उन्हें ऐसे करते हुए देखकर वो साइंटिस्ट हंस पड़ता है। इस वजह से कुछ गांव वालों का ध्यान उस पर जाता है। कालुआ, उसे देखो कैसे खुश हो रहा है,
मुझे लगता है इस सब के पीछे इसका हाथ है। चलो उससे बात करते हैं। ये कहते हुए राजू और कलुआ उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं। यहाँ उस चूहे की तोड़फोड़ जा रही थी। अबे वही पागल साइंटिस्ट, हमें पता है कि इसके पीछे तेरा ही हाथ है, चुपचाप उसे ठीक कर दे वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। तुम लोग और कर भी क्या सकते हो अपने से कमजोरों को मारने के अलावा? तुम इंसानों को और आता ही क्या है? देखो मेरे भाई, तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूँ। हम उन चूहों को जानबूझकर नहीं मारते हैं और ना ही हमें मारने की कोई शौक है। वो हमारी साल भर की मेहनत को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, इसीलिए हम ये सब करना पड़ता है। अगर वो फसल खराब नहीं करेंगे तो उनके लिए गांव के बाहर थोड़ी सी फसल निकाल कर अलग से रखेंगे, मैं वादा करता हूँ। वो साइंटिस्ट उनकी बात मान लेता है और वो सोने का चूहा धूप की वजह से गर्म होकर वहीं जम जाता है। तब से गुफापुर वाले गांव के बाहर थोड़ी सी फसल चूहों के लिए निकल कर रखते हैं और वो साइंटिस्ट उन्हें वहीं रहकर गांव में नहीं जाने के लिए एक यंत्र बनाता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और उस गोल्डन रेड की मूर्ति को उसकी याद में उसी जगह पर रहने देते हैं। नदीपुर एक मछुआरों का गांव हुआ करता था और लोग नदीपुर की नदी में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। पता नहीं अब उनकी नदी को क्या हो गया है। कोई अगर दिन भर भी नदी के सामने बैठ जाए तब भी एक मछली नहीं पकड़ पाता। नदीपुर में एक ऐसा भी इंसान है जो मछली पकड़ना बंद नहीं करता। कहा जा रहे हो पिरारा भाई, प्लास्टिक के कवर, लोगों के जूते और छिट्टियां पकड़ने? हा, 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 हा। कुछ ऐसा ही समझ लो कीड़ा। ये कहकर पिराना चुपचाप नदी के पास जाता है। मछली के इंतजार में सुबह से दोपहर हो जाती है। पिराना की इन हरकतों से परेशान उसकी पत्नी गुस्से में उसके पास आती है। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, पूरा गांव बाहर जाकर काम कर रहा है और तुम यही पड़े रहो। मैं भी कब से यही कह रहा हूँ तूना बाबी, पता नहीं कब अकल आएगी। तू फिर से आ गया? अबे कीड़े चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मछली का चारा बनाकर डाल दूंगी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, जब तक मैं एक भी मछली नहीं पकड़ लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पिराना आधे रात तक वहाँ बैठने के बाद उसके कांटे में कुछ फंसता है। पिराना उसे जट से खींचकर बाहर निकलता है। वो एक अलग ही मछली थी, सोने के रंग की। पिराना उसे अपने घर ले जाकर एक्वेरियम में रखता है। अगले दिन से वो मछली रोज सुबह एक सोने का अंडा देने लगी थी। ये सब देखकर पिराना के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
देखते ही देखते पिराना उस मछली के अंडे को बेचकर बहुत अमीर हो गया था। माफ कर दो जी, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था। कोई बात नहीं है तूना, तुम्हें समझ आ गया, यही काफी है मेरे लिए। ऐसे पिराना और उसकी पत्नी तूना दोनों खुशी से रहने लगते हैं कि उनकी खुशी को कीड़े की नजर लग गए। जैसे कि कीड़े को पिराना के मछली के बारे में पता चलता है, चुपके से उसके घर में जाकर उस मछली को चुरा लेता है। अगले दिन सुबह जब पिराना उसकी मछली को खाना डालने के लिए जाता तो वो उसकी जगह पर नहीं होती। पिराना सब समझ जाता है और उसके घर पुलिस को भेजता है। जब पुलिस कीड़े के घर पहुंचते हैं तो उसके हाथ में एक अंडा होता है। बाकी अंडे कहाँ है और वो मछली कहाँ है? मैं ज्यादा लालची में आकर मछली को काट कर देखा तो उसमें एक ही अंडा था और वो मछली मर गई। मुझे बाकी अंडे चाहिए। मेरे पास नहीं है सर। ये कहकर कीड़ा वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसे पकड़कर खूब मारता है।